आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम VFD के बारे में बात करेंगे कि VFD होती क्या है, VFD कहाँ काम आती है और VFD जो है उसका मेन काम क्या है। ठीक है, तो VFD काम कैसे करती है और हम मोटर की स्पीड को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और हमें VFD की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलो बात कर लेते हैं। VFD का उपयोग क्यों करते हैं? देखो, ऐसा होता है कुछ मशीनें ऐसी होती है जिनकी स्पीड को हमको बार बार मशीन ऑपरेटर के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है। उस समय हम मशीन की स्पीड को मोटर की स्पीड में बदल कर एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर की स्पीड का मतलब होता है मोटर के RPM को कम करना या ज़्यादा करना। ठीक है, RPM, अब RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब मोटर का रोटर एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है वही मोटर का RPM कहलाता है। और VFD की सहायता से हम आसानी से मोटर के RPM को बदल सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मोटर की स्पीड एडजस्ट कैसे होती है? ठीक है, मोटर की स्पीड को हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करूँगा। VFD जो है AC मोटर्स के लिए ही काम में ली जाती है। ठीक है, तो जो पहला है मोटर की स्पीड एडजस्ट कैसे होती है, उसमें है कि हम मोटर के जो पोल होते हैं, पोल की संख्या को हम कम ज़्यादा करके मोटर के RPM को बदल सकते हैं। मोटर के पोल जितने कम होंगे मोटर के RPM उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, मोटर के पोल सबसे कम दो तक हो सकते हैं। अब जैसे जैसे पोल्स बढ़ते हैं उसी के अनुसार मोटर की स्पीड भी कम होती है। ठीक है, और दूसरा है मोटर में जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर के RPM को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर दो वाला जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर एक वाला जो तरीका है तो उसमें जो है मोटर के RPM को बदलने के लिए हमें पोल की संख्या बदलनी पड़ेगी जो कि फिक्स होती है। पोल हमेशा मोटर की वाइंडिंग के स्लॉट पर निर्भर होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि मोटर को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदल सकेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं VFD है क्या। VFD एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। ठीक है, उसके बाद VFD को मोटर कंट्रोलर क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, VFD को मोटर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि VFD के अंदर हमको मोटर की डिटेल्स जो है फिल करनी होती है। कुछ पैरामीटर्स हमें उसमें डालने होते हैं जिसकी मदद से हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाए या मोटर में कितने वोल्टेज जाने चाहिए, उसके अलावा मोटर को VFD की सहायता से पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए VFD को मोटर कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, अब VFD जो है काम कैसे करता है। ठीक है, हम मोटर पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई को अब हम सबसे पहले VFD में देंगे। ठीक है, तो जो सप्लाई आ रही है उसको VFD में देंगे और VFD से जो सप्लाई निकलेगी उसको हम मोटर पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारी ज़रूरत के हिसाब से VFD से निकलने वाली आउटपुट सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और मोटर के RPM को आसानी से बदल सकते हैं। हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मोटर को देंगे मोटर की स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी ज़्यादा मोटर के RPM कम होंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात VFD काम कैसे करता है। एक्चुअली VFD के अंदर जो तीन मेन पार्ट होते हैं, पहला है कन्वर्टर यूनिट, दूसरा है फिल्टर यूनिट, तीसरा है इन्वर्टर। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं कि हम VFD को 3 फेज 440 वोल्ट जो है सप्लाई हम उसमें दे रहे हैं। ठीक है, हमारी AC सप्लाई सबसे पहले VFD के कन्वर्टर यूनिट में जाएगी। अब कन्वर्टर यूनिट में हमारी AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कन्वर्टर यूनिट में रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसका काम AC सप्लाई को DC सप्लाई में चेंज करना होता है। कन्वर्टर यूनिट से DC सप्लाई निकलने के बाद ये सप्लाई फिल्टर यूनिट में जाती है। फिल्टर यूनिट का काम जो अभी हम DC सप्लाई मिली है वो प्योर DC नहीं होती, उसमें कुछ AC के कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिल्टर यूनिट जो है कन्वर्टर यूनिट से मिली DC सप्लाई को प्योर DC सप्लाई में बदल देता है। फिल्टर यूनिट को हमको एक प्योर DC सप्लाई मिल जाती है। अब आखिर काम इन्वर्टर यूनिट का होता है। इन्वर्टर का काम होता है उस DC वोल्टेज को वापस से AC वोल्टेज में बदलकर मोटर को AC सप्लाई देना। अब इन्वर्टर जो हमें AC सप्लाई निकाल कर देगा उसको हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर आपको मोटर को कम स्पीड पर चलाना है तो अब हम VFD के पैरामीटर में जाकर फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, जिससे VFD का इन्वर्टर यूनिट भी कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमारी मोटर को देगा। इस तरीके से हम मोटर को आसानी से कम या ज़्यादा RPM पर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको VFD के बारे में ये जो मैंने नॉलेज दी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।